किराना स्टोर किन किन कारणों से फेल होते हैं या अधिक मुनाफा नहीं कमा पाते, जानिए ऐसी महत्वपूर्ण 7 वजह जिनके कारण किराना व्यापारी ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते। ओवर सप्लाई कॉम्पिटिशन। पहला कारण, किराना स्टोर में मुनाफा कम होने और अधिकतर किराना स्टोर फेल होने का कारण प्रतियोगिता है। जी हाँ, जहाँ एक इलाके में एक या दो किराना स्टोर होते हैं, वहीं अब किराना स्टोर और छोटी छोटी कई दुकानें खुल गई हैं, जिसके कारण ग्राहकों को अधिक ऑप्शन मिल गए हैं। इससे ग्राहकों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन दुकानदारों का मुनाफा कम हो गया है। लॉयल्टी ऑफ कस्टमर। दूसरा कारण, ऐसे बहुत से कस्टमर्स होते हैं जो किसी एक शॉप से सालों तक लगातार सामान लेते रहते हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो दुकान बदलते रहते हैं। ऐसे में दुकानदार को चाहिए कि वो अपने ग्राहकों का खास ख्याल रखे, खासकर उन ग्राहकों का जो उसके साथ सालों से या महीनों से जुड़े हुए हैं। ऐसे ग्राहकों के लिए जो 2, 3 या 6 महीनों से लगातार एक दुकान से सामान खरीद रहे हैं, उनको कुछ डिस्काउंट ऑफर, गिफ्ट आदि दे सकते हैं, जिससे ग्राहक को अच्छा लगे और वो आपकी दुकान से भावात्मक और व्यवहारिक तौर पर जुड़ा रहे। मार्केटिंग बजट एलोकेशन। तीसरा कारण किराना स्टोर और शॉप फेल होने का है कि बहुत से दुकानदार मार्केटिंग करना जानते ही नहीं, या जो जानते हैं वो करते नहीं। एक कारण और है, वो है कि मार्केटिंग में इतना पैसा लगा देते हैं जिससे उन्हें घाटा हो जाता है, क्योंकि वो जहां पैसा लगाते हैं वो फिजूल होता है। ऐसे में आपको मार्केटिंग का बजट अलग से बनाना है और ऐसी जगह मार्केटिंग में पैसा लगाना है जहां से पैसा वापस आ सके, जैसे कि अपनी ही दुकान का गिफ्ट वाउचर, डिस्काउंट कूपन पर एक फ्री ऑफर आदि। मार्केटिंग करने से पहले ये अवश्य सोच लें, जहां आप पैसा लगा रहे हैं क्या वहां से पैसा वापस आएगा। सभी किराना स्टोर वालों को ये अवश्य बताना चाहेंगे कि आपको मार्केटिंग करना चाहिए जिससे आपके ग्राहक और नए ग्राहक आपसे जुड़ सके। कैपिटल। चौथा कारण, जब भी एक शॉप खोलते हैं उसका अपना कैपिटल हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। ऐसे में बहुत से लोग जरूरत से अधिक पैसा लगा देते हैं, जिसके कारण उन्हें समस्या हो जाती है। फिर पैसे की तंगी की वजह से भविष्य में व्यापार बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। यदि बिजनेस शुरू करते समय आप अपनी तरफ से एक जमा पूंजी लगाते हैं तो बेहतर है। यदि आप अपने बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं तो फिर आपको कम कैपिटल लगानी होगी, जिससे लोन भरने में आपको ज्यादा से ज्यादा समय ना निकाल जाए। दुकान का स्टॉक मैनेजमेंट। कैपिटल के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है बिजनेस फेल होने का, वो है दुकान का स्टॉक मैनेज ना कर पाना। जी हाँ, बहुत से किराना स्टोर इसलिए भी घाटे में जाते हैं क्योंकि उन्हें स्टॉक मैनेज करना नहीं आता। उदाहरण के साथ समझें इसका मतलब। मान के चलिए अप्रैल में आपकी दुकान पर बिस्किट का स्टॉक आया, आपने उसे रैक पर लगा दिया। अभी वो स्टॉक चल ही रहा है कि मई का स्टॉक भी आ गया, और आपने अप्रैल महीने के स्टॉक के आगे ही मई महीने का स्टॉक लगा दिया। अब जून का स्टॉक आया, आपने अप्रैल और मई महीने के स्टॉक के आगे जून महीने का स्टॉक भी लगा दिया। इस तरह आपका पुराना स्टॉक और पुराना होता जा रहा है, जो बिक नहीं पा रहा है, और नया स्टॉक ऐड होता जा रहा है, जिससे पुराने स्टॉक की एक्सपायरी डेट भी आ गई है, जो आपके बिजनेस को मुनाफे की जगह घाटे में बदल देती है। इसलिए किसी भी किराना वाले को अपना स्टॉक मैनेज करना आना चाहिए। स्टॉक मैनेजमेंट में आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा कि कहीं आप जरूरत से ज्यादा सामान ऑर्डर तो नहीं कर रहे। इसके लिए आप अपना डेटा मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि पिछले महीने कौन सा सामान ज्यादा बिका है और कौन सा कम। इस हिसाब से आप अपना स्टॉक जमा करें। मैन पावर मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट के बाद सबसे बड़ा टास्क है वो है मैन पावर मैनेजमेंट, जिसकी वजह से बहुत से किराना स्टोर फेल हो जाते हैं या अधिक लाभ नहीं कमा पाते हैं। आपको ये तय करना है कि कैसे अपने स्टाफ को काम के लिए तैयार रखें। आपके स्टाफ को पता होना चाहिए कि कैसे नए माल को और पुराने माल को मैनेज करना है। स्टॉक की एक्सपायरी डेट चेक करना और उसे फौरन तौर पर निकालना, नए माल और पुराने माल की वैल्यू समझना, और कौन सा सामान कहाँ रखा है इस बात की पूर्ण जानकारी होना, कीड़े मकौड़े और चूहे स्टॉक को खराब ना कर दें इस बात पर ध्यान देना आदि। कस्टमर रिलेशनशिप एंड बिहेवियर। बहुत से ग्राहकों की शिकायत होती है कि जब वो किसी एक जगह से लगातार सामान लेने लगते हैं तो दुकानदार का व्यवहार बदल सा जाता है। कुछ ग्राहकों की शिकायत होती है कि स्टोर और दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों का व्यवहार उनको कई बार ठेस पहुंचाता है। ऐसे में दुकानदार को चाहिए कि वो अपने और अपने कर्मचारियों के व्यवहार में परिवर्तन लाए। हालांकि बहुत से किराना स्टोर और शॉप वाले इस बात पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण उन्हें लॉयल ग्राहक नहीं मिल पाते। आपके बिजनेस का सच्चा साथी